आईफोन्स प्राइसिंग की वजह से बदनाम है, स्पेशली इंडिया में। जब भी कोई आईफोन लॉन्च होता है, हम सभी को पता है दैट उसकी प्राइसिंग इंडिया में बहुत ज्यादा रहती है। लाइक सबसे बड़ा फर्क आता है प्रो मॉडल्स में। आईफोन 13 प्रो की इंडिया में प्राइसिंग है 1,20,000 रुपीज, बट वही यूएस में इंडियन प्राइसिंग के अकॉर्डिंग केवल 77,000 रुपीज। सो गाइस देख सकते हैं 43,000 रुपीज का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। बट इंडिया में लोग आईफोन्स के लॉन्च होने के साथ साथ एक और चीज का बहुत ज्यादा वेट करते हैं, फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन की जो सेल आती है, साल की सबसे बड़ी सेल, जो सेल आपको दिवाली के टाइम देखने को मिलती है, अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल एंड फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल। सो क्या सच में कम प्राइसिंग के लिए इतना ज्यादा वेट करना वर्थ इट है? इसी चीज के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। हे गाइस, आई एम अंकित, यू आर वॉचिंग गैजेट्स लाइफ, लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं, मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूं। सो अगर बात करें लेटेस्ट आईफोन 13 की, इसकी प्राइसिंग यूएस में $829, मतलब कि इंडियन रुपीज के अकॉर्डिंग अराउंड 64,000 रुपीज। एंड ये इंडिया में लॉन्च हुआ था 80,000 रुपीज का, बट लॉन्च के कुछ टाइम के बाद ही आपको लगभग 67-68,000 रुपीज का मिलने लग गया था, इंक्लूडिंग कार्ड ऑफर्स। इनफैक्ट अभी जो अमेजोन पर समर सेल आई थी, उस पर इसका प्राइस गया था 65,000 रुपीज, वो भी डायरेक्ट प्राइस कट विदाउट एनी कार्ड रिक्वायरमेंट्स। सो ये चीज तो क्लियर है दैट लॉन्च होने के कुछ टाइम के बाद ही आपको अच्छी प्राइसिंग मिलती है, क्लोज टू यूएस प्राइसिंग। अब ये चीज आईफोन की प्रो मॉडल्स के लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होती है, एंड ये चीज तभी अप्लाई होगी जब आईफोन के जो प्रो मॉडल्स हैं इंडिया में मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हो जाएंगे, जस्ट लाइक रेगुलर सीरीज। एंड आईफोन 13 का इंडिया में प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, पूरे मार्केट में जब अच्छे तरीके से स्टॉक आ जाएगा, इसकी जो यहाँ पे रेगुलर प्राइसिंग होगी वो हो जाएगी क्लोज टू यूएस प्राइसिंग, मतलब की 64,000 रुपीज। बट हम बात करते हैं साल की सबसे बड़ी सेल की, 2021 की जो बिग बिलियन डे सेल थी, उसमें आईफोन 12 की मिनिमम प्राइसिंग आई थी अराउंड 46 से लेके 47,000 रुपीज, इंक्लूडिंग ऑल द कार्ड ऑफर्स, विच इज मैसिव, क्योंकि अभी भी आईफोन 12 की करंट प्राइसिंग यूएस में अराउंड 56,000 रुपीज है। आप देख सकते हैं वो सेल कितने टाइम पहले आई थी, उसके बाद भी इतनी ज्यादा कम प्राइसिंग थी करंट यूएस प्राइसिंग के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर आता है लॉन्च ऑफ न्यू मॉडल्स। लाइक ऑब्वियसली अगर कोई न्यू आईफोन लॉन्च होगा तो पुराने वाले की वैल्यू में फर्क आएगा, उस पर डिस्काउंट आएगा, बट यह चीज रियल वर्ल्ड में कितना मैटर करती है, कितना डिफरेंस क्रिएट करती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इंडिया के एवरेज यूजर के हिसाब से, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मुश्किल से इतना महंगा फोन खरीद पाते हैं। सो मैं बहुत सारे आईफोन्स को यूज करता हूँ, एंड मेरे अकॉर्डिंग पुराने आईफोन मॉडल पे प्राइस कट होने के बाद भी वो वाला आईफोन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाता है। एंड इसका सबसे ज्यादा बड़ा रीजन है लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। जस्ट लाइक आईफोन 13 सितंबर 2021 में लॉन्च हुआ था, एंड इस साल जो सेल आएगी उसमें आईफोन 13 पे अच्छा डिस्काउंट आएगा, एंड उस टाइम पे डेफिनेटली ये फोन आईफोन 14 से भी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा। सो यहाँ पे जो लोग बहुत ज्यादा वेट करते हैं इन सेल में आईफोन्स को परचेज करने के लिए, मनी सेव करते हैं, तो डेफिनेटली वो चीज वर्थ इट है, क्योंकि जो प्राइसिंग आईफोन 12 की उस बिग बिलियन डे सेल में आई थी, अब तक वो प्राइसिंग नहीं आई है। तो मेरे हिसाब से जिन लोगों का बजट का इशू होता है, जो लोग बहुत ज्यादा मुश्किल से आईफोन्स को परचेज कर पाते हैं, एंड जिन लोगों का मोबाइल फोन को 4 या 5 साल तक यूज करना है, उन लोगों को इस तरह की बड़ी सेल में आईफोन्स को परचेज करना चाहिए। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनका बजट का कोई भी इशू नहीं होता है, लेटेस्ट आईफोन आने के बाद वो लोग तुरंत ही परचेज कर लेते हैं। लाइक आईफोन 13 80,000 रुपीज का आया था, लोगों ने इसको परचेज करा था, बट वही आईफोन आपको एक साल के बाद 50 या 55,000 रुपए में मिलेगा, वो भी नया। एंड यहाँ पे जितना डिफरेंस प्राइस में रहेगा, उतना डिफरेंस परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी नहीं होगा, जो कि एक एवरेज यूजर के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। सो गाइस, आपके इस चीज पे क्या थॉट्स हैं, मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। मैंने ये वीडियो ने अपने थॉट्स को शेयर करना जरूरी समझा, क्योंकि मैं वैल्यू करता हूँ आप लोगों के हार्ड अर्न्ड मनी की, एंड आप लोगों को ये चीज मैंने टोटली अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताई है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपको भी इसी तरह की वीडियोस पसंद है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, टिल देन टेक केयर।